नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक लखनऊ की मुख्य खबर की ओर नजर डालेंगे कि राजधानी लखनऊ में होम्योपैथिक चिकित्सक का प्रादेशिक अधिवेशन समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रादेशिक अधिवेशन में देश भर के होम्योपैथिक चिकित्सकों ने भाग लिया और इस दौरान लोगों को यह संदेश दिया गया कि किसी भी जटिल बीमारी का इलाज होम्योपैथिक की दवाइयों के द्वारा खत्म किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज प्रांतीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ के तमाम चिकित्सा अधिकारी और तमाम चिकित्सक आज यहाँ मौजूद रहे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। क्या पर्पस था, क्या कुछ इंडिकेट करना चाह रहे हैं, क्या मांगे हैं, आइए सीधे प्रांतीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरिनंदन मौर्य हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या पर्पस था, क्या कुछ इंडिकेट करना चाह रहे हैं? ये हम लोगों का हर साल हर दो साल पे द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव होता है, जिसमें कि हम लोग नई कार्यकारिणी चुनते हैं। इसमें पांच पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष, और 15 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं जो कि हम लोग संघ की भलाई, लोगों की आवाज़ उठाते हैं कि शासन तक पहुंचाने के लिए जो भी हमारी और हमारे चिकित्सा अधिकारियों की परेशानियां हैं, इसलिए इसका संघ का चुनाव दो साल पे होता है, वही हो रहा है। कुछ मांगे वगैरह भी हैं आप लोगों की, या पर्पस जो है सिर्फ एक होम्योपैथिक को बढ़ावा देने का है? हाँ नहीं, मांगे भी हैं हमारी, लगभग 1600 डिस्पेंसरियाँ हैं, उस पर मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। तो ये तो जो कार्यकारिणी बनती है या बराबर हम लोग वर्तमान में मैं उपाध्यक्ष भी हूँ इसी संघ का, तो जो भी हमारी लोगों की कमियाँ होती हैं हम लोग शासन को बराबर अवगत कराते हैं, निदेशक महोदय को अवगत कराते हैं कि जो भी हमारी कमियाँ उन्हें पूरा किया जाए। और होम्योपैथी का प्रचार प्रसार तो खैर होता ही है, हम लोग कई स्वास्थ्य मेला भी लगाते हैं, जैसा कि शासन के निर्देशों से जो भी प्राप्त होता है उसको हम लोग भली बात अपना करते रहते हैं, शासन का भी इसमें सहयोग मिलता है हम लोग। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन होम्योपैथिक के बारे में, आप लोग चिकित्सक हैं, क्या जागरूक करेंगे होम्योपैथ को लेकर? होम्योपैथी एक सरल, सस्ती, सुलभ पद्धति है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसका लाभ लंबे समय तक भी रहता है और बीमारियां जड़ से ख़त्म होती हैं, इसलिए हम सभी को होम्योपैथी की पद्धति से ही अपनाना चाहिए, होम्योपैथिक पद्धति से ही इलाज कराना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन होम्योपैथिक को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि होम्योपैथिक को अभी बढ़ावा दिया जाए? जैसा लोगों में एक भ्रांति है कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है या होम्योपैथी का स्कोप कम है या दवाइयां स्लो काम करती हैं, यह सब सिर्फ लोगों की मिथ्या धारणा है। आज भी होम्योपैथी आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे अल्टीमेट साइंस है, अल्ट्रा मॉडर्न साइंस है, इससे अच्छा और इससे तेज काम कोई भी पद्धति की दवाई नहीं करती है। बस दिक्कत ये होती है कि आप सही डॉक्टर के पास पहुँचें, पढ़े लिखे डॉक्टर के पास पहुँचें, और वो डॉक्टर जो है आपकी उचित डायग्नोसिस करके, उचित केस टेस्टिंग करके आपकी दवाई का चुनाव करें। होता क्या है कि जैसा आम धारणा है कि होम्योपैथी को लोग घरेलू चिकित्सा पद्धति समझते हैं, लोग किताब वगैरह से पढ़ के या मेडिकल स्टोर से जाके खुद से दवाई लेते हैं, उससे होम्योपैथिक दवाई का असर भी अच्छा नहीं होता है, दुष्प्रभाव भी ज़्यादा होता है और मरीज को उचित लाभ भी नहीं मिलता है। अतः आप लोगों को हमें सलाह देते हैं कि जब भी होम्योपैथिक दवाई लेना हो आप अच्छे चिकित्सक के पास जाएँ, कुशल चिकित्सक के पास जाएँ और अपनी उचित डायग्नोसिस करा के ही दवाई का बोले। क्या नाम है, कहाँ से आए? जी, मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, वाराणसी से वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी हूँ। हमारा होम्योपैथिक प्रांतीय होम्योपैथी चिकित्सा सेवा संघ का एक बहुत बड़ा संवर्ग है जिसमें 1585 चिकित्सा अधिकारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लगभग 1575 अस्पताल हैं हमारे और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हमारे अस्पताल हैं। तो हर दो साल पर हमारे एक इलेक्शन, एक चुनाव होता है जिसमें पाँच, कुल मिला के 20 पद होते हैं, पांच हमारे मुख्य पद होते हैं, बाकी 15 हमारे कार्यकारिणी के होते हैं। डॉक्टर साहब, कई तरह की पद्धति है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेद है, यूनानी है, लेकिन आज का जो समय है लोग होम्योपैथिक की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उसका एकमात्र कारण है कि होम्योपैथी समूल विषय को लेकर चलती है शरीर के, होम्योपैथी शरीर को बांटती नहीं है, जैसे कि विभिन्न अलग जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, आँख का अलग, कान का अलग, वो सब अलग हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे शरीर को ही एक इकाई माना जाता है और उसमें पैदा हुए सिम्टम्स के आधार पर जो दवाई निकल के आती हैं वो विभिन्न
जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो जीआईटी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी हो, स्किन हो, वो सभी पे इक्वली दवाएं असर करती हैं। और इंटरनल इसलिए करती हैं क्योंकि जो हमारा वाइटल फोर्स होता है, जो शरीर को हमारे को गवर्न करता है, उसको रीअरेंज करके शरीर को स्वयं इस लायक बनाती हैं कि वो उन सिम्टम्स के लड़के उनको अपने शरीर से बाहर निकाले। इसीलिए होम्योपैथी बहुत लोकप्रिय हो रही है क्योंकि उससे रोग समूल नष्ट होता है। मैडम कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ से। एक सवाल है मेरा जी। अगर होम्योपैथिक और एलोपैथिक को कंपेयर किया जाए तो लोगों की जो धारणा है एलोपैथिक को लेके कि तुरंत रिलीफ मिलता है और होम्योपैथिक के लिए ये माना जाता है कि काफ़ी समय होता है, तो क्या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है कि जो एलोपैथिक से थोड़ा रिलीफ हो? देखिए, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर सही दवाई दी जाए आज भी और आज से 200 साल पहले भी, तो होम्योपैथी एलोपैथी के बराबर या उससे बेहतर उससे जल्दी रिजल्ट देती है। ये हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे देख रहे हैं, हम पीएससी पे और बिल्कुल एकदम प्राइमरी लेवल पे जाके काम करते हैं, तो हम वहाँ हर रोज़ देखते हैं 70 से 80 पेशेंट का रोज़ हम देख रहे हैं, उनका फॉलोअप देख रहे हैं, इतने साल हो गए हैं, तो ऐसा हमें तो लगा नहीं। अक्यूट पेशेंट्स आते हैं, क्रोनिक पेशेंट्स आते हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, तो क्या वो ठीक नहीं होते जो आते हैं? और अब वो पीएससी पे तो देखिए सेटअप ऐसा होता है, वहाँ पे एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब तरह के डॉक्टर होते हैं, फिर भी पेशेंट हमें ढूंढता हुआ आता है। सर, होम्योपैथी के बारे में कुछ बताएं। होम्योपैथी बहुत ही अच्छी साइंस है। होम्योपैथी के द्वारा हम ऐसे इलाज करते हैं कि बच्चों पे, बात खास करके बच्चों पे, आजकल की पीढ़ी, आजकल के जितने भी डिजीज हैं वो आइटोजेनिक हैं, वो कहीं ना कहीं जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट, हर मेडिसिन का, एक छोटी सी छोटी दवा का भी साइड इफेक्ट है। होम्योपैथी बहुत ही सेफ है, बहुत ही सुरक्षित है और आपको जहाँ पे काम करना है वहीं पे काम करती है, आपके आर्गन को, आपकी बॉडी को रिपेयर करती है। वो ऐसा नहीं कि अपने प्रभाव से बीमारी को ठीक करती है। एलोपैथिक मैनेजमेंट है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक क्योर करता है बीमारियों को। एलोपैथी के द्वारा हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं केस को, हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, इसलिए होम्योपैथिक हमारे लिए बहुत बेहतर है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक होते हैं हमारे बच्चे। उनको एंटीबायोटिक की आप डोज देते हैं, इनको कोर्स कराते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके शरीर को हार्म पहुँचाती है, इसलिए होम्योपैथिक बेस्ट है। और जहाँ पे टाइफाइड के केसेज, हमारे पास टाइफाइड के केसेज आते हैं, तमाम केसेज आते हैं जो होम्योपैथी एलोपैथी से दो दो बार तीन तीन बार उन्होंने ट्रीटमेंट चलाया, 15-15 दिन का कोर्स, 21-21 दिन का कोर्स, फिर भी टाइफाइड नहीं गया, फिर हम ट्रीट करते हैं और 15 से 20 दिन में वो क्योर हो जाते हैं। सर, आज प्रांतीय अधिवेशन था आप लोगों का, क्या कुछ कहना चाहेंगे होम्योपैथी? प्रदेश में जो होम्योपैथी की स्थिति है उसमें अभी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है और आशा है कि जो नए हमारे पदाधिकारी चुन के आएंगे या जो पुराने पदाधिकारी थे, जो भी हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं, इसमें जो भी सफल होगा वो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार और विकास का ही काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने वोट दिया है और चाहेंगे कि जो भी प्रत्याशी है वो हम लोगों के उम्मीद पर खरा उतरे जी। होम्योपैथिक की तरफ जो है आज समय आ गया है कि लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो अगर कंपेयर किया जाए एलोपैथिक से तो क्या स्पेशलिटी है होम्योपैथिक? देखिए, होम्योपैथिक की स्पेशलिटी ये है कि जेंटल है ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट है और जो साइड इफेक्ट एलोपैथी के आ रहे हैं उसको लेकर के लोगों में काफ़ी आजकल जागरूकता बढ़ी है, तो इसलिए लोगों का रुझान होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा हुआ है। लोग थोड़ा वेट करना पसंद करें, लेकिन होम्योपैथी से चूंकि उनका इलाज परमानेंट होता है और इसलिए और जेंटल वे में होता है, कम से कम पैसे में होता है, इसलिए लोग होम्योपैथी की तरफ आजकल जागरूक हो रहे हैं जी। कुछ चिकित्सक हमारे साथ हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हूँ मैडम, क्या नाम? मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। अगर एलोपैथिक और होम्योपैथिक को देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंडसेट है वो होम्योपैथ की तरफ ये है कि थोड़ा लेट से जो है फ़ायदा करती है, तो उन मरीजों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो होम्योपैथिक की तरफ देख भी रहे हैं लेकिन शायद उनके अंदर ये डर बना हुआ है कि ये लेट फ़ायदा करेगी तो मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने होम्योपैथी को अच्छे से जाना है वो जानते हैं कि होम्योपैथी जो है बहुत ही जल्दी, अगर सही दवा सही तरीके से दी जाए तो बहुत जल्दी काम करती है, यहाँ तक कि उतनी जल्दी तो एलोपैथिक भी काम नहीं करती है। हाँ, ये है कुछ केसेज में आपको जो है अगर कुछ ज़रूरत होती है तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट आप एलोपैथिक में ले सकते हैं।
क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन अभी इम्प्रूव हुई है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है अभी कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिले? बिल्कुल है। अगर आप इसमें सिद्धांत इसके दूसरे हैं, अगर आप सही चुनाव सही तरीके से करते हैं तो आप अगर आपकी मेडिसिन सही निकलती है तो वो मरीज को पूर्ण रूप से बहुत ही कम से कम समय में सही करती है। ये वो चिकित्सक हैं जो इस धरती के दूसरे भगवान कहे जाते हैं। होम्योपैथ एक ऐसी पद्धति जो आज कहीं न कहीं सरकार होम्योपैथ को लेके काफ़ी अग्रसर दिख रही है। आने वाले समय में ये होम्योपैथ मेडिसिन लोगों के लिए कितना कारगर साबित होगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ शुभकांत श्रीवास्तव, KKD न्यूज़, लखनऊ।